नमस्कार, नादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज मध्य प्रदेश का दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का खरगोन दौरा आज रहेगा, जहां खरगोन में नड्डा रोड शो करेंगे और साथ ही विशाल सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। महाजनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे, साथ ही केंद्र के 9 साल की उपलब्धियां भी बताएंगे। वहीं नवग्रह मंदिर के दर्शन करेंगे और बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक भी जेपी नड्डा लेने वाले हैं। देखिए एक बार फिर से जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा, जहां पर खरगोन का दौरा वो करते नजर आएंगे और महाजनसंपर्क अभियान, जिसकी शुरुआत केंद्र में 9 साल पूरे होने पर की गई थी 30 मई को और आज 30 जून है। ऐसे में देखा जाए तो इसका समापन करते हुए जेपी नड्डा नजर आने वाले हैं। तो चुनावी लिहाज से ये दौरा काफी खास है, जहां खरगोन की जनता को साधते हुए नजर आएगी और महाजनसंपर्क अभियान के तहत जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसकी जानकारी के साथ ही कौन कौन सी उपलब्धियां हैं और किस प्रकार से योजनाओं का अच्छा प्रभाव मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे और विशाल सभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जहां पर नवग्रह मंदिर के दर्शन करेंगे और साथ ही बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। देखिए बीजेपी का अभियान चल रहा है और साथ ही मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक लेने वाले हैं और साथ ही किस प्रकार से कार्यकर्ता अपने आप को परिपक्व कर सके और स्थानीय मुद्दों को लेकर बातचीत भी जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से करते हुए नजर आएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर चुनावी आगाज जेपी नड्डा करने वाले हैं खरगोन में, जहां पर जनता को कई सारी सौगात देते भी जेपी नड्डा नजर आएंगे। तो हाल ही में देखा जाए तो विशाल सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा नजर आए थे और एक बार फिर से खरगोन की जनता को संबोधित करेंगे और महाजनसंपर्क अभियान में भी शामिल होने वाले हैं। वहीं केंद्र के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इसी की उपलब्धि गिनाते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। और हाल ही में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मध्य प्रदेश दौरा था। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से कैसे जीत हासिल कर सके, इसी के लिए अब लगातार केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही ये भी कयास लगाया जा रहा है कि इस दौरान बड़ी घोषणाएं भी जेपी नड्डा के द्वारा की जा सकती है। और पार्टी की जो तमाम उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही है, केंद्र सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही है, उनकी तमाम उपलब्धि मध्य प्रदेश में उसका कितना असर देखने को मिला है, कितने लोगों को लाभ मिला है, ये तमाम जानकारी जनता को देते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि कई बड़ी सौगातें भी इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा देते नजर आ सकते हैं। और सबसे खास कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा था और इस दौरान उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और वर्चुअली उनसे बातचीत की थी, जहां पर बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर उन्होंने बातचीत की थी और किस प्रकार से स्थानीय क्षेत्र पर कार्यकर्ता अपने को मजबूत कर सके और पार्टी के लिए मजबूती और ईमानदारी के साथ में काम कर सके, इसके और साथ ही जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव है उसको किस प्रकार से बीजेपी जीत हासिल कर सके, तो जीत का मंत्र देते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। और उन्हीं की तर्ज पर अब जेपी नड्डा खरगोन का दौरा करेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं से बैठक में बातचीत की जाएगी और स्थानीय मुद्दों और स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से कार्यकर्ता परिपक्व होकर और पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, इसका जीत का मंत्र देते भी जेपी नड्डा नजर आने वाले हैं। तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार को और अब ऐसे में बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया था, जिसकी शुरुआत 30 मई से हुई थी और आज 30 जून है, यानी कि आज समापन खरगोन से जेपी नड्डा करने वाले हैं। ऐसे में महाजनसंपर्क अभियान के तहत तमाम जो दिग्गज नेता थे उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने की और इस महाजनसंपर्क अभियान को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं नेतृत्व करते नजर आए थे और बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी महाजनसंपर्क अभियान में शामिल हुए थे। अब इसी की तर्ज पर आज इसका समापन होने वाला है। बीजेपी ने लगभग 1 महीने तक ये महाजनसंपर्क अभियान चलाया
और इस अभियान के तहत केंद्र की उपलब्धियां, राज्य की उपलब्धियां गिनवाई थी और योजनाओं का लाभ किस प्रकार से आम जनता ले सकती है, घर घर जाकर इसकी जानकारी भी कार्यकर्ताओं के द्वारा दी गई थी। इसलिए काफी अहम हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं की भूमिका। और महाजनसंपर्क अभियान की बात कर ली जाए तो इसे तेज धार देने के लिए, तैयारियों के लिए और जीत के लिए कार्यकर्ताओं ने एक विशेष योगदान भी दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सीधा रुक कर लेते हैं हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता, भोपाल से लाइव जुड़ गए। भोपाल वैभव, अगर देखा जाए तो महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत 30 मई को की गई थी और 30 जून यानी कि आज इसका समापन होने वाला है। क्या ये माना जा सकता है कि खरगोन दौरा है जेपी नड्डा का और इसी के चलते वो अब इस महाजनसंपर्क अभियान का समापन करेंगे? बिल्कुल, मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इस उपलक्ष्य पर महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत बीजेपी के द्वारा की गई थी। क्या 30 जून है, 30 मई से 30 जून के बीच में महीने भर अभियान चलना था, तो आज इस अभियान का समापन होना है। तो समापन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खरगोन पहुंचेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, एक छोटा रोड शो भी उनका आयोजित किया गया, इसके साथ ही खरगोन के नवग्रह मंदिर में वो दर्शन भी करेंगे, बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे, स्किल सेल एनीमिया के जो पीड़ित मरीज है उनको दिव्यांग सर्टिफिकेट भी वितरित जेपी नड्डा करने वाले हैं। उनके तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने प्रेस को संबोधित किया, उन्होंने बताया था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश आने वाले हैं, खरगोन आने वाले हैं, खरगोन की जनता से वो संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, क्योंकि बूथ लेवल के कार्यकर्ता से बातचीत करना अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, कार्यकर्ताओं से बातचीत करता है। जिस तरह से बीजेपी के द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत एक अभियान चलाया जा रहा है, हमने देखा कि पीएम मोदी भी भोपाल आए थे, उन्होंने देश भर के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संवाद किया था रैली के माध्यम से, तो बीजेपी अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं से संवाद करी, क्योंकि चुनावी साल है, मध्य प्रदेश में साल के अंदर चुनाव होने के साथ ही अगले साल लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है कि आज खरगोन आएंगे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो भी उनका आयोजित किया गया है, चुनावी आगाज आपसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। जी बिल्कुल वैभव, ऐसे में अगर देखा जाए तो काफी खास दौरा माना जा सकता है और इस दौरे से विधानसभा और लोकसभा में जीत हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को तमाम जानकारी देते भी नजर आएंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र जेपी नड्डा देते नजर आने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा का खरगोन दौरा है, इस दौरान वो जनता को संबोधित करते नजर तो आएंगे, साथ ही बूथ लेवल पर किस प्रकार से कार्यकर्ता अपने आप को मजबूती से दिखा सके, काम कर सके पार्टी के लिए और उनकी कर्मठता ईमानदारी के लिए जेपी नड्डा उन्हें सम्मानित तो करेंगे ही और साथ ही ये भी एक जीत का मंत्र देते कार्यकर्ताओं को नजर आने वाले हैं। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भोपाल में आरएसएस की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारी भोपाल में जुटेंगे, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंथन होगा और साथ ही 3 दिन लगातार बैठकों का दौर चलने वाला है, जहां देश के विषय विशेषज्ञ राजधानी आएंगे और 22वें विधि आयोग ने सुझाव भी मांगे हैं, जहां पर आमजन संस्थाओं संगठनों ने सुझाव मांगे हैं और साथ ही 14 जुलाई तक सभी सुझाव मांगे गए हैं। वहीं देखा जाए तो कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले से शामिल हो गए और साथ ही सुरेश सोनी जैसे तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 300 विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है, जहां पर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब इस बैठक में बातचीत की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। वैभव, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा था, इस दौरान उन्होंने सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जोर दिया था कि इसकी जरूरत क्यों है और ऐसे में अब आरएसएस की एक बड़ी बैठक, 2 दिन तक ये बैठक चलने वाली है, क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के बाद में अब मध्य प्रदेश में भी इसकी कवायद शुरू हो चुकी है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी ने भी किसी की बात की और उनकी बात करने के बाद बीजेपी के अधिकांश नेता और समाज की बात कानून संहिता की बात करने लगे हैं। कल भी हमने पीडी शर्मा ने भी कहा कि समान संहिता की संहिता होनी चाहिए, कल भी हमने पर चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिन की बैठक होने जा रही है। आरएसएस की बड़ी बैठक में आए 3 दिन चर्चा की जाएगी और बड़ी
की राय मांगी है, अगर नीति आयोग किस तरह से आगे बढ़ने को भी किस तरह से आएगा, मोदी ने भी कहा था राय मांगी, वो भी यही कह रहा है कि आप आगे बढ़ना है, किस तरह से किसी लागू क्यों नहीं कर रहे, हालांकि व्यवस्था विरोध किया जा रहा है, कह रहा है कि विरोध को किस तरीके से थामा जाए, इस विषय पर कैसे ज्यादा से ज्यादा चर्चा की जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचार आ सके, किस तरीके से थामा जाए, एक बड़ी बैठक की बात होने जा रही है, आर एस पी ज्यादा से हर चीज के वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे और लोगों के विचार जानने की कोशिश की जाएगी। तो बिल्कुल वैभव, काफी खास बैठक है और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कुछ मंथन किया जाता है इस बैठक में और कितनी बातें निकलकर सामने आती है ताकि चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सके मध्य प्रदेश में। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, आरएसएस की काफी अहम बैठक है ये, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब बातचीत की जाएगी और तमाम विशेषज्ञ है वो इस बैठक में शामिल रहेंगे और उनसे चर्चा की जाएगी कि इस प्रकार से मध्य प्रदेश में इसे लागू किया जा सके। और हाल ही में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी पर जोर दिया था। चुनावी तैयारियों में अब कांग्रेस भी जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर राज्य सरकार को किस प्रकार से घेरा जाए इसकी कवायद अब कांग्रेस की ओर से शुरू हो चुकी है। एमपी कांग्रेस का प्रदर्शन आज होगा, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन होगा, जहां सरकार के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है। सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर अब ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो देखिए, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और वहीं पर अगर हम टमाटर की बात कर ली जाए तो 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है, जो टमाटर एक महीने पहले 1 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे थे, किसान बेच रहे थे मंडी में, अब वही टमाटर की कीमत एक महीने में इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में महंगाई से जनता काफी त्रस्त हो चुकी है और इसी का प्रदर्शन अब कांग्रेस महिला कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में वैभव का रुख करेंगे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर किस वजह से और क्या क्या मुद्दे हैं महंगाई को लेकर, उसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। तो रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन होगा, जहां सरकार के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है। सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। हाल ही में अगर बात कर ली जाए तो एक महीने पहले टमाटर मंडी में 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे थे और ऐसे में किसान काफी परेशान थे और किसान परेशान होने की वजह से और 1 रुपए टमाटर मिलने की वजह से 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ऐसे में किसान काफी परेशान थे और उन्होंने सब्जियों को टमाटर को ऐसे ही मंडी में फेंक दिया था और प्रदर्शन किया था। अब उसी का नजारा अब देखने को मिल रहा है, उसी का असर अब देखने को मिल रहा है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और टमाटर 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है, जिसकी वजह से आम जनता काफी परेशान है। इसकी एक और बड़ी वजह बताई जा रही है कि लगातार मध्य प्रदेश में अब तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो सब्जियों की फसल है वो खराब हो गई है। ऐसे में उसकी आपूर्ति ठीक प्रकार से मध्य प्रदेश में नहीं हो पा रही है और यही एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि बारिश की वजह से अब लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो रसोई में अब देखा जाए तो महंगाई बढ़ती जा रही है, रसोई के तमाम जो सामान है वो महंगे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस काफी खफा है और सरकार के खिलाफ आज महिला कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसका प्रदर्शन का असर कितना देखने को मिलता है। हालांकि कांग्रेस ने साफ कह दिया था कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और राज्य सरकार को इसके लिए कोई सुविधा भी देनी चाहिए, लेकिन अब तक कोई रुख नहीं देखते हुए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो ज्यादा जानकारी लेंगे और विस्तार से जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस। हमारे संवाददाता वैभव लगातार जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। तो वैभव, मध्य प्रदेश में लगातार सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और वहीं पर अगर देखा जाए तो जनता काफी परेशान है, अब ऐसे में कांग्रेस का प्रदर्शन कितनी सफलता मिल सकती है?
लगातार बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जो महिला मोर्चा है वो आज प्रदर्शन करने जा रहा है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे पर 12 बजे भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से अनुपमा सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर 200 रुपए क्योंकि पार हो चुका है, टमाटर 500 रुपए हो चुका है, मिर्ची भी महंगी है, लौकी और जो गिलकी होती है वो कह सकते हैं कि सभी सब्जियों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। पहले तो प्याज ही केवल बनाती थी, लेकिन तो टमाटर के साथ ही सभी सब्जियों में लोगों के घरों का बजट बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। तो इस तरह से जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, सभी लेकर महिला कांग्रेस का बजट बढ़ाते महंगाई बढ़ती जा रही है और ऐसे में इसका फायदा कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को होता नजर आएगा, क्योंकि राज्य सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर ही प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं आम जनता का सहयोग भी यहाँ पर कांग्रेस को मिल सकता है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है, महिला कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर पहले ही कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो राजधानी भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन करेगी और महंगाई कम करने की राज्य सरकार के खिलाफ ये एक तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पर गंगा जमुना स्कूल का विवाद सामने आया था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल आयोग की सख्ती देखने को मिली है, जहां स्कूल में हिजाब पहनने का ये मामला सामने आया था। दमोह कलेक्टर ने को दिल्ली तलब किया गया है, जहां प्रियंक कानूनगो ने तलब किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 10 जुलाई तक जवाब देने के निर्देश भी दिए गए, वहीं पर आयोग के समक्ष जवाब देने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। नक्शे के आधार पर अब कार्रवाई हो सकती है। तो दमोह कलेक्टर को दिल्ली तलब किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विवेक जुड़े हुए, उनका रुख कर लेंगे। तो देखिए, गंगा जमुना स्कूल विवाद, राष्ट्रीय बाल आयोग की सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां पर दमोह में एक मामला सामने आया था। गंगा जमुना स्कूल में बच्चियों को, जो हिंदू और जैन बच्चियां थी, उन्हें हिजाब पहनाया गया था और इसी की वजह से लगातार ये मामला सुर्खियों में था, और जहां पर राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए गंगा जमुना स्कूल को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की थी। और उसके बाद कई सारे खुलासे भी हुए थे, जहां पर जो शिक्षिका है इस स्कूल में काम करने वाली, उनके धर्म परिवर्तन की बातें भी निकलकर सामने आई थी। और जो छात्र से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि नमाज अदा करने के लिए दबाव बनाया जाता है, अगर नमाज अदा नहीं की जाती है तो फिर मारपीट की जाती थी। और इसी के चलते तमाम मुद्दे ऐसे थे जो कि गंगा जमुना स्कूल से निकलकर सामने आए थे, और इसका बहुत बड़ा विवाद मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा था और जिस पर राजनीति सियासत भी देखने को मिल रही थी। अब इसी के तहत एक सख्ती देखने को मिल रही है राष्ट्रीय बाल आयोग की ओर से, जहां पर दमोह कलेक्टर को दिल्ली तलब किया गया है। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। वैभव, गंगा जमुना स्कूल का विवाद लगातार सुर्खियों में था, अब इसी के तहत दमोह कलेक्टर को दिल्ली तलब किया गया है, क्या कुछ जानकारी? छात्राओं को हिजाब पहनकर ही स्कूल आने की अनुमति थी, उसके बाद जब जांच हुई तो अवैध अतिक्रमण भी पाया गया, और उसके पहले बात की जानकारी मिली कि जो टीचर्स थे उनका भी धर्मांतरण किया गया। सारे ही मामले को लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग से उनको तलब किया गया है, जो कलेक्टर है उनको तलब किया गया है, वो इस मामले पर पूरा अपना पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि चलते कार्रवाई करने में जो अपना देरी हुई। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम तरीके से हो गई है दमोह के गंगा जमुना स्कूल के धर्मांतरण मामले में, और जल्द ही जो कलेक्टर है वो दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रीय बाल आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। जी, तो बिल्कुल, राष्ट्रीय बाल आयोग के सामने दमोह कलेक्टर क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर गंगा जमुना स्कूल दमोह का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। अब ऐसे में राष्ट्रीय बाल आयोग ने दमोह कलेक्टर को दिल्ली तलब किया है और उनसे अब जानकारी ली जाएगी इस पूरे मामले को लेकर, जिस प्रकार से राज्य सरकार भी काफी सख्त नजर आ रही थी, क्या पूरा मामला है विस्तार से जानकारी ली जाएगी और इसके बाद में फैसला लिया जाएगा।
चलिए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का हाल, जहां पर लगातार मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे जिले हैं जहां बारिश हो रही है। 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां चार मौसम प्रणालियों से मानसून सक्रिय है। अगले दो दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। तो 16 जिले ऐसे हैं जहां पर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है और अगले दो दिन तक बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहने वाला है। तो चार मौसम प्रणालियों से मानसून सक्रिय है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, 16 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहां भारी बारिश की संभावना जताई गई है। फिलहाल आप राजधानी भोपाल में मौजूद हैं, किस प्रकार का मौसम नजर आ रहा है? 16 जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई थी। क्योंकि कल दो दिन तरह से भोपाल को लेकर संभावना थी कि तेज बारिश होगी, लेकिन उतनी बारिश हुई नहीं, केवल 3 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लेकिन आज सुबह से ही बारिश का दौर भोपाल में शुरू हो चुका है। भोपाल में 7 बजे पहले थोड़ी रिमझिम बारिश हुई थी, तेज बारिश का दौर भी हो रही है। तो मौसम विभाग ने यही अनुमान जताया है कि आज पूरे भोपाल में साथ ही 16 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। तो क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मौसम है, उस तापमान है, चार वेदर सिस्टम देखते हैं, जिसके चलते भोपाल मध्य प्रदेश में आज बारिश का माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन 16 जिले ऐसे रहेंगे जहां पर तेज बारिश होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बारिश के संबंध में बैठक ले चुके हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं समय जी बिल्कुल। तो अधिकारियों को प्रशासन की ओर से, ये राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए जा सकते हैं कि किस प्रकार से सावधानी बरती जा सके और जो आम जनता है उसे सुविधाएं दी जा सके। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, जहां पर 16 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की भावना जताई गई है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जलमग्न स्थान जो यहाँ पर है, वहां पर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया जा रहा है। लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, जिनके घरों में, दुकानों में पानी पूरी तरीके से भर गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो जलमग्न स्थान है वहां से लोगों को सुरक्षित एक अच्छे स्थान पर पहुंचाया जा सके। हालांकि मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि दो दिन तक लगातार बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहने वाला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहना आदि टीवी। नमस्कार।